इस शिक्षा दिवस के मौके पर आज सम्मान समारोह था, क्या कहना है इस मौके पर? आज शिक्षा दिवस के ऊपर हम सभी अपने सोसाइटी के लोगों को, अपने सभी क्षेत्रवासियों को बधाई देना चाहता हूं, और मैं सोसाइटी के लोगों को इसलिए और ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने जो अपने सम्मानित शिक्षक थे, जो यहां पर बुजुर्ग शिक्षक जो रह रहे हैं, रिटायर हो चुके हैं, उनको सम्मानित किया, इसलिए इन लोग बहुत ही बधाई के पात्र हैं। सर, सोसाइटी की तरफ से शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, किन किन लोगों को सम्मानित किया गया है इस पूरे कार्यक्रम में? आज हमने 6 को करा था, एक हमारे प्रोफेसर रविंदर सूद भी आने सके और 5 आदमियों को करा। इसका क्राइटेरिया ये लिया गया था कि एज के हिसाब से और जिन्होंने सबसे ज़्यादा बच्चों पर टीचिंग, जिनका एक्सपीरियंस है, हम उनको ऑनर करेंगे। और ये अब हमारा एक साइकिल चलेगा, नेक्स्ट ईयर हम अगले 5 या 6 लेंगे और ये सिलसिला ऐसे लगातार चलता रहेगा। सर, अमूमन देखा गया कि स्कूल कॉलेजों में इस तरह का शिक्षा सम्मान दिया जाता है, अब सोसाइटी के लोगों ने मिलकर इस तरह की शुरुआत किया, क्या कुछ सोच के इस तरह का कदम उठाया? ये था कि मैं लॉयंस क्लब का मेंबर हूँ, हम लॉयंस क्लब में तकरीबन 100 टीचर्स को हर साल सम्मान देते हैं और उनको सेलिब्रेशन जब टीचर्स डे की होती है तो उनको ऑल ओवर इंडिया से बुलाया जाता है और उनको अवार्ड दिए जाते हैं। ये सोच के मैं पहला सहयोग का निवासी था जिसने ये कहा दुबे जी को, जो कि हमारे कन्वीनर हैं, कि आप इसको सोसाइटी में शुरू करें, और मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने इस मेरे सजेशन को माना। अपने जीवन की फिल्म को रिवाइंड करके देखें तो हमें कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा मार्गदर्शक या पथ प्रदर्शक, या सिंपली अगर मैं कहूं तो एक गुरु हुआ होगा और हमें बहुत प्रभावित किया होगा। और ऐसे ही गुरु हमारे इस सोसाइटी के हर एक घर में बसते हैं, और उन्हीं में से हमने कुछ धीरे चुने हैं जिनका सम्मान आज हम यहाँ पर कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बहुत भाग्य, बहुत बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में इतने सारे गुरुजन हैं कि मुश्किल हो रहा था चुनना कि किसे चुने, और उन्हीं में से 5 आज एमिनेंट पर्सनालिटीज को, गुरुजनों को आज हम यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि सम्मान देने के लिए हमारे साथ में विभिन्न सर हैं। आपको बहुत 16 सितंबर 1942 को हुआ, आपकी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए हिंदी और फिर पीएचडी संपूर्ण की। आपने जीजस मैरी कॉलेज और भारतीय महिला कॉलेज में पूरे मन से अध्यापन कार्य किया। तत्पश्चात 1976 से आपने दयाल सिंह कॉलेज में विद्यार्थियों के जीवन को एक सशक्त पथ प्रदर्शिका के रूप में मार्गदर्शन दिया, और सन 2003 में वहीं से सेवानिवृत्त हुई। आपकी रुचि लेखन कार्य में भी रही, जिसके अंतर्गत स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कहानी उपलब्धि और संभावनाएं विषय पर आपने शोध ग्रंथ लिखा, जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय प्रेस द्वारा प्रकाशित किया गया और जिसका विमोचन तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा द्वारा उनके निवास स्थान पर किया गया। इसके अतिरिक्त आपने एक कहानी संग्रह गरिमा की वापसी, कविता संग्रह काश मैं जानती, और बहुत से लेख, कविताएं, कहानियां आदि प्रकाशित की। ये हमारे लिए बहुत बहुत सौभाग्य का विषय। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं डॉक्टर प्रमिला का कि हमारी सोसाइटी में इतनी बड़ी दिग्गज पर्सनैलिटी है और हर एक बच्चे को इन्होंने पूरे मन से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। For 30 long years and got retired as PGT History in 1999. Mrs. Ghai is a successful teacher, a wonderful wife, a lovely mother and a responsible social being. Biography is spotless and her service is selfless. She has always showed great potential at school and she is a loving person and she is an owner of her childhood since her mother had
the true wealth was the dissemination of knowledge. She also followed in the footsteps of her members as the entire family is into education line. She was married before she could fulfill her ambition but continually strive for it. It's a complete honor for us to honor such an eminent personality, such a great teacher. Please put your hands together for the teacher. जेपी शर्मा जी, पीना शर्मा जी जो हमारे यहाँ के पूर्व निगम पार्षद थी, और आज जो मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ उसमें बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है। वासुदेवन जी, बी एल शर्मा जी, दासवाना जी, विजय कपूर जी, गंगवार जी, कोई जी, भूपेन जी, सुभाष जी, पूर्णिमा जी। Next, we are going to honor Mrs. Anjana Gaur Sharma. Mrs. Anjana Gaur Sharma was born in Delhi in a well-educated agricultural family in the Sonipat district. Her mother was a government school teacher and father was a landlord. She also learned to be a teacher since her childhood. Since her mother has indicated that the true wealth was the illumination of knowledge. She also followed in the footsteps of her members as the entire family is into education line. We have one more personality amongst us, Mr. B. S. Complete honor for us to honor such an eminent personality, such a great teacher. Please put your hands together for सुंदर बगिया का ख्वाब हमें तो बढ़ना है। माना